Welcome, dear students. So today we are taking up the topic polymers. अब आप सोचेंगे कि यहाँ ये क्या करा जा रहा है, क्या कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी किस्म का एंटरटेनमेंट? वेल, नाइदर ऑफ द टू. समझ ही गए होंगे आप कि हम जब पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं तो आज की जिंदगी हमारी असंभव है पॉलीमर्स के बिना. पॉलीमर्स के बिना जिंदगी असंभव है, ये हमें कोरोना टाइम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा मैं ये बनाऊं, क्योंकि इतना दुखद समय है, ऐसी परिस्थितियां हैं. तो देखें विद एन आई फॉर केमिस्ट्री कि कैसे इस कोरोना टाइम में ये केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व है, बहुत चीजों में, दवाइयां इत्यादि से लेकर. अब आप देख रहे हैं ये मैंने जो दिखाया, देखिए नीचे जो बेस है ये क्या है, ये क्या है जो हम यूज कर रहे हैं, मास्क. हम तो केमिस्ट हैं, हम उसी एंगल से देख रहे हैं इसको. देखिए ये मास्क है ब्लू कलर का, कॉटन बेस. क्या किसका है ये? कॉटन का बना है, किसी संस्था ने बनाया था, वहीं से खरीदा मैंने. सम ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल बहुत काम कर रहे हैं इसमें सारे ही लोग लगे हुए हैं. तो ये तो कॉटन है, इसके ऊपर ही सारे सैनिटाइजर्स बॉटल्स और ये सोप. नॉट एट एडवर्टाइजमेंट, जो मेरे पास घर में रखा था वही दिखा रही हूं मैं. तो ये सैनिटाइजर्स हैं, ये सोप है, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहां, ये है ग्लव्स. मतलब बेस तो हमारा क्या है नीचे, ये कॉटन. कॉटन मतलब जिसका मास्क बना है, नेचुरल पॉलीमर. कॉटन क्या है? नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज का. और धीरे धीरे उसी पे बिल्डअप होके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, हमने अपनी जिंदगी में अनेक सुविधाएं जोड़ी, तो उसमें इन्हीं को मॉडिफाई करके फिर बने हमारे सारे आर्टिफिशियल जो है, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर्स. ये बॉटल्स सब ये पीवीसी वगैरह की बॉटल्स हैं, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलीन HDPE. पेट बॉटल्स आपने देखा होगा पॉली इथाइलीन टर्थेलेट की बनी होती है. और ये आजकल सब ये काम में सोप जो जिसके अंदर ये रखा हुआ है, तो सब ये क्या है? आर्टिफिशियल सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूडिंग दीज ग्लव्स. तो सभी आजकल इतना काम आ रहे हैं. तो इसी बैकड्रॉप के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी ये टॉपिक पॉलीमर्स. सो पॉलीमर्स आर ऑल अराउंड अस व्हेन वी लुक केयरफुली विद एन आई फॉर केमिस्ट्री. क्यों? जितनी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है हमारे कपड़ों में, जो टायर्स हैं, यानी कि जितने हमारे मूवमेंट होता है, चाहे वो टायर्स साइकिल में लगे हों या कार्स में लगे हों, जो व्हील्स हैं, कहने का मतलब है द व्हील्स फॉर मूवमेंट, थ्री व्हीलर्स हों, सभी में पॉलीमर्स इनकॉर्पोरेटेड हैं. हमारे हाउस होल्ड गुड्स हों, जितना हम घर में यूज करते हैं, फ्लोरिंग से लेके दरवाजे खिड़कियां इन तक में सब पॉलीमर्स अब इनकॉर्पोरेट हो गए, क्योंकि वो लाइट होते हैं और ऐसे पॉलीमर्स बन गए जो हीट और टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं और लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होते, चलते भी बहुत समय है. ये फर्नीचर से लेके सब चीजों में इंक्लूड हो गए, क्योंकि अब लकड़ी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है. ग्रीनरी जो हम इफेक्ट आज देख रहे हैं उसी का कॉन्सिक्वेंस है, नेचर में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई है, तो ऑल्टरनेटिव तो चाहिए ही. तो फर्निशिंग से लेकर हाउस होल्ड सारे आइटम्स जो हैं, जो हमारे अलग अलग किस्म के गैजेट्स हैं जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल बने, फ्रॉम फ्रिजेस टू एसीज, वॉशिंग मशीन्स, आप नाम लीजिए और आप देखेंगे कुछ ना कुछ तरीके से उसमें पॉलीमरिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. अब हम अगर खुद को देखें आईने में तो हम खुद ही क्या है, बहुत सारा हमारा जो बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि बायो पॉलीमर्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट और एनिमल, उन सब में ही किसी न किसी रूप में ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं लिविंग सिस्टम्स में. चाहे वो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स हो, कैरेटिन हो जिससे हमारे नाखून बने हैं, हमारे बाल बने हैं, या डीएनए हो, जेनेटिक मटीरियल. इसी तरह प्लांट्स में भी. तो ये टर्म जो है ये किसने कॉइन करी, पॉलीमर? बर्जेलियस ने 1833 में बताया था इनके बारे में. और जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर की दी है पॉलीमेरॉस, यानी कि वो 1926 में स्टोडिंगर ने दी. और
मतलब वही है, सबको शुरू से पता है कि ग्रीक ये वर्ड है पॉली मतलब अनेकों, मीरोज मतलब पार्ट से बना हुआ, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बिना लाइफ आज के दिन असंभव है। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ऑल दोज आर पॉलीमर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एज वेल एज द सिंथेटिक वंस जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में काम आते हैं। तो इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, नेचुरली मोनोमर, मोनोमर जुड़ेंगे तभी जाके पॉली बनेंगे बहुत सारे पार्ट्स, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है मोनोमर, सिंपल यूनिट्स जो होती है उसी से बनते हैं। और दिख रहा है यहाँ आपको नीचे जो दिखाया है बैकड्रॉप में, ये नीली जो मास्क है कॉटन की, यानी कि ये क्या है नेचुरल, और ये अनेक उसके उससे ही आगे जो है क्रिएटेड फर्दर सिंथेसाइज्ड हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल में वुल, कॉटन, सिल्क, सेल्यूलोज, ये सब हमारे क्या आ गए हैं, सारे नेचुरल, पेपर तक जो पेपर जिसमें हम लिख रहे हैं क्या है वो मॉडिफाइड है, सब सेल्यूलोज। अब तो स्टार्च प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट, किस तरह से है ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में हमारे जेनेटिक मटेरियल, पर हैं सारे वो नेचुरल। पर आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक की। नेचुरल पॉलीमर्स तो आपको मालूम ही हो गया कि अब क्या है, तो हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक की, जो सारे सिंथेसाइज करे जाते हैं, यानी कि वो सिंथेटिक पॉलीमर्स, उसमें से बहुत सारी जगह मॉडिफिकेशन करते हैं हम नेचुरल पॉलीमर्स का ही, उसी को लेकर के बेस फिर हम फर्दर क्रिएट करते हैं अ सीरीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैविंग हाई यूटिलिटी एज वेल एज डिमांड। बट वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इनका अननेसेसरी जो है क्रिएशन, अननेसेसरी डंपिंग, प्रॉपरली इनका रिसाइकल नहीं होना एक बहुत ही बड़ा कारण आज के दिन पॉल्यूशन का भी बन गया है। तो जो चीज फायदेमंद होती है, जो चीज से लाभ होते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसका यूज सही ढंग से कर रहे हैं। एज ह्यूमंस वी आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग कि इन पॉलीमर्स का हम यूज सही ढंग से कर रहे हैं और इनको सही ढंग से डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, सही ढंग से रिसाइकल हो रहे हैं, जिससे अननेसेसरी वी आर नॉट लीविंग बैड फुटप्रिंट्स ऑन द एनवायरमेंट। सो रिमेम्बर दिस व्हेन वी आर स्टडीइंग पॉलीमर्स। अब जब हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि पॉलीमर्स दो किस्म के हो सकते हैं, होमोपॉलीमर जहां सारे मोनोमेरिक यूनिट एक जैसी हो, जैसे इथाइलीन होता है तो पॉली इथाइलीन बन गई, मोनोमर सारे इथाइलीन के, या अलग अलग किस्म के हो तो उसको कहते हैं हम कोपॉलीमर। उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग किस्म के मोनोमर्स होते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स जिनमें की फंक्शनल ग्रुप अलग, जैसे नायलॉन ले लें हम, नायलॉन 6-6 जो कि एक कोपॉलीमर है एडिपिक एसिड का, और 1-6 डायमीन जो होती है हमारी हेक्सा उसका। तो इस बेसिस पर हम चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो हमारे नेचुरल हो पॉलीमर्स, तो जहां एक जैसे मोनोमर्स हुए वो होमोमर्स हो जाएंगे, होमोपॉलीमर्स हो जाएंगे। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स में देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिमेम्बर द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जितने सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं दे गो थ्रू दिस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है कि जिसके जो बिलो जितने पॉलीमर्स होते हैं वो तो ब्रिटल होते हैं, ग्लास जैसे होते हैं, और इस टीजी के अबव जितने हमारे होंगे पॉलीमर्स तो उनमें मॉलिक्यूलर मोशन जो होगा वो एक्टिवेटेड होगा। इस वजह से ऐसे पॉलीमर्स जो होंगे वो रबरी टाइप के होते हैं। तो ऑन दिस नोट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टीजी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, हम कह सकते हैं हमारे पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं। ये हम इनका डिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिंथेटिक पॉलीमर्स की क्वालिटी बता रहे हैं कि कुछ क्रिस्टलाइन हो सकते हैं हमारे क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, जैसे कि पॉलीइथाइलीन। अब ये जो क्रिस्टलाइन हमारे पॉलीमर्स होते हैं इनमें चेन्स ऐसी होती हैं लगी हुई कि बिल्कुल एक सलीके से रेगुलर ढंग से, जिसमें कहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल
मोमेंट्स डायपोल से अलाइंड होती हैं, और इनमें जनरली कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और ये स्ट्रांग होते हैं और नॉन इलास्टिक। वहीं पे जो अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस अमॉर्फस वाले हमारे जैसे कि रबर, तो ये इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। और ये ज्यादातर किस तरह जब मतलब ट्रांजिशन करते हैं ये फ्रॉम ग्लासी टू अ विस्कस लिक्विड टीजी के थ्रू पास होके, जिससे मॉलिक्यूलर मोशन इनका फिर एक्टिवेट हो जाए, तो अबव टीजी पहुंच गए तो क्या हो गए हमारे रबर जैसे विस्कस से हो जाते हैं, रबरी विस्कस टाइप लिक्विड होते हैं पासिंग थ्रू द टीजी ट्रांजिशन। और ये टीजी इसमें प्लास्टिसाइजर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि मोशन जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसमें हम, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं प्लास्टिसाइजर लगा के जिस हिसाब से हमें अपना पॉलीमर जिस किस्म का बनाना हो, हमें जो उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं दोनों के बीच के होते हैं तो उनको हम कहते हैं सेमी क्रिस्टल पॉलीमर, जैसे कि नायलॉन, तो ये इन बिटवीन होते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के। तो ये इनका जो है कैरेक्टर होता है जो किस पे बेस्ड होता है, पॉलीमर्स के टीजी के ऊपर जब हम पॉलीमर्स सिंथेसाइज करते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो सकती है सिंथेटिक की, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो। अब हम क्लासेस उनकी देखेंगे, अलग अलग क्लासेस जो है इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं इनका फॉर्मेशन, यानी कि अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज हम जो क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, जैसे ये बन रहे हैं उस हिसाब से हम। तो इसमें दो क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एडिशन पॉलीमर्स जो है और दूसरे हम कहते हैं कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर्स को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं, और जो हमारे कंडेंसेशन होते हैं उनको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो ये किस आधार पर कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन, हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, द मोड ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरह बन रहे हैं। तो इसके अंदर जो पॉलीमर्स हमारे आते हैं चेन ग्रोथ वाले, यानी कि एडिशन पॉलीमर्स जो हैं हमारे, ये सारे इस किस्म के हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीब्यूटाइलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी जिसको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैसे बनेंगे, क्विक, बड़े क्विक सेक्स, तुरंत डबल बॉन्ड खुलते रहते हैं इनके बीच के, और एक से दो, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथा, फटाफट चेन ग्रोथ, लगातार इनकी श्रृंखला जो है बढ़ती जा रही है, तभी नाम है कैसा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और कुछ नहीं हो रहा है, चेन ग्रो कर रही है इनकी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, पट पट फटाफट बॉन्ड्स जो है डबल बॉन्ड्स खुल खुल के, इनके बीच के जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो खुल के ये सारे बन रहे हैं। तो इस किस्म के जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं ये ओलिफिनिक विनाइलिक से जो बन रहे हैं, इनमें सीसी लिंकेज होती है और कोई और इसके अलावा एटम नहीं, मेन चेन में कोई और एटम नहीं होता है, तो कार्बन कार्बन लिंकेज होती है लगातार, और चेन मैकेनिज्म से ये बन रहे हैं। कौन से वाले हमारे पॉलीमर्स हैं, ये हैं हमारे एडिशन पॉलीमर्स। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी, पॉलीमर्स को हमने मतलब डिवाइड कर दिया है ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो दूसरी कैटेगरी ये तो एडिशन हो गए, दूसरी कैटेगरी हमारी हो गई कंडेंसेशन पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। रिमेम्बर ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरह बन रहे हैं। एडिशन के अलावा आप कंडेंसेशन में, जैसा नाम से ही जाहिर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन होता है। अब जब कंडेंसेशन होगा तो मालूम है कुछ ना कुछ क्या बनता है, न्यूट्रल टाइप का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं हमारे कैसे बनेंगे, मतलब ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं स्टेप ग्रोथ, इसीलिए इनका नाम है कि ये दो या डिफरेंट किस्म के हमारे मोनोमर्स जो हैं उनके बीच में रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन होगा कुछ ना कुछ न्यूट्रल स्पीशी का, कंडेंसेशन, तभी तो जुड़ते हैं, वो कंडेंस होते हैं, कुछ ना कुछ बीच से एलिमिनेट हो जाता है, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं, इसीलिए स्टेप ग्रोथ इस तरह हो रहा है, ये स्टेप वाइज, चेन ऐसे नहीं इंक्रीज हो रही, स्टेप वाइज हो रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल के। तो हर मोनोमर में ये जरूरी है कि दो फंक्शनल कुछ ना कुछ उसमें ग्रुप लगे हों, जैसे एक में एक किस्म का फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में दूसरे किस्म का, या एक के अंदर ही साइड में दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप जिससे आपस में वो रिएक्ट करें। तो एग्जांपल देखिए, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीईथर, टेरिलीन,
पॉलीयूरिथीन, बेकलाइट, ये सब इसके उदाहरण हैं, किसके, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के। और इसमें एक सीसी, जैसे एडिशन में तो खाली सीसी हमारे बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन मेन चेन में, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे एटम्स भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं मेन चेन में जो है। और कंडेंसेशन में दो या दो से ज्यादा इस तरह मोनोमर्स कंडेंस करेंगे, जिसमें एक बार का कंडेंसेशन होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर दूसरे से कंडेंसेशन होगा, इस तरह हमारी श्रृंखला जो है स्टेप वाइज ग्रो करती चली जाती है विद द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये हमारा जो था डिविजन, जो था क्लासिफिकेशन, जो था ये था एडिशन एंड कंडेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब हम क्लासिफिकेशन अगला देखते हैं कि अगले ढंग से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्लासिफाई इनको इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब हम क्लासिफाई करेंगे तो तीन किस्म से, क्योंकि लीनियर होते हैं कई, कुछ एक ही लगातार एक ही चेन में लीनियर, कुछ होते हैं ब्रांचिंग होती है, ब्रांच चेन उनको कहते हैं, और कुछ जो है वो होते हैं क्रॉस, क्रॉस लिंक, मतलब आपस में नेटवर्क बनाएंगे वो, जैसे जाल होता है। तो इस तरह ब्रांचिंग के अलावा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसके साथ इनमें आपस में नेटवर्किंग होती है, तो उसको कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, लिंक लिंकेज होता है। तो ये इनके स्ट्रक्चर के आधार पर है। तो लीनियर पॉलीमर्स जो होंगे नेचुरली वो बहुत ही अच्छे पैक्ड भी होंगे और इनकी डेंसिटी भी हाई होगी, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी हाई होगा, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे, जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टीरीन है, नायलॉन है, ये सब जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, जिनकी बॉटल्स भी बनती हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स की, एचडीपीई कहते हैं, पॉलीथाइलीन। अब इसके अलावा जो है ब्रांच्ड, जो इसका सेकेंड डिविजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये ज्यादा इजिली सॉल्यूबल होते हैं, फ्यूजिबल भी ज्यादा होते हैं क्योंकि ब्रांचिंग होती है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड नहीं रहेंगे ब्रांचिंग की वजह से, तो इनकी डेंसिटी भी कम होगी, जैसे कि पॉलीथाइलीन, और नेचुरल में तो ग्लाइकोजन स्टार्च इनके मॉडिफाइड भी बनते हैं, ग्लाइकोजन स्टार्च ये सारे किसके आधार पर है, स्ट्रक्चर के आधार पर है। इसमें ये जो लिखे हुए हैं ये नेचुरल वाले भी है नीचे, जैसे स्टार्च, स्टार्च को मॉडिफाई करके भी बनाते हैं फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसके अलावा क्रॉस लिंक्ड बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, क्रॉस लिंक में हमारे जो आ जाते हैं वो हार्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे कि हमारा रबर है, वल्कनाइज रबर जिसको कहते हैं, या कि या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, तो ये हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, एपॉक्सी रेजिन हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स जो हैं, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हार्ड भी होंगे, रिजिड भी होंगे, ब्रिटल भी होंगे। किसके बेसिस पर कह रहे हैं हम ये, हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है उस आधार पर हम, तो इस हिसाब से फिर इनके यूजेस भी अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं हार्ड, रिजिड और ब्रिटल होंगे, उनको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, तो और दूसरे ऐसे भी हम मतलब मोल्ड नहीं कर सकते हैं अलग अलग में, और ऐसे भी होंगे जो हमारे ब्रांच्ड वाले होंगे जिनको कि हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लो जिसमें लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन सबसे ज्यादा जो यूज होता है। तो ये सारा जो है क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का ये आधारित है किस पे, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम आते हैं एक और आधार जो बना रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसके आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, या चौथी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, ये इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर। तो सबसे पहले आते हैं हम इलास्टोमर्स में, कि इलास्टोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस्म से इलास्टोमर्स, इनमें जो पॉलीमेरिक चेन होती है वो उनमें बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कैसे रहेंगे, वीक होंगे, और जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि दे कैन रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप, इनको फैलाओ इसके बाद जैसे ही छोड़ो तो ये वापस अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं, जिसमें कि नेचुरल रबर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो नेचुरल में है। अब इसी का जो है सिंथेटिक फॉर्म भी है, तभी लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम सिंथेसाइज करेंगे
तो वी विल बी सिंथेसाइजिंग फ्रॉम नेचुरल। सभी चीजें शुरू में ही बताई है मैंने कि नेचुरल जो पॉलीमर्स है उन्हीं को बेसिस मानकर फिर उनमें हम मॉडिफिकेशन के द्वारा अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी इलास्टोमर्स की आती है वो थी फाइबर्स। फाइबर्स में अब इसमें तो वीक होते हैं, इलास्टोमर्स में इंटरमोलिकुलर आपस के बीच के फोर्स, तभी तो ये जो है वापस अपने शेप में आ जाते हैं। अब इनमें स्ट्रांग होते हैं फाइबर्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल मोमेंट, ऐसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं, तो इलास्टिसिटी नहीं होती, कम होती है, और इनको वीव कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे रोज के फाइबर्स हैं जिनसे क्या बनते हैं, किस्म किस्म की जो है फाइबर्स, नाम ही है, पोशाकें, उस पोशाकों से लेकर और भी अन्य किस्म की उपयोगी जो है वस्तुएं, जैसे कि नायलॉन 66 है, जो कि आपको अभी मैंने इससे पहले बताया एक कोपॉलीमर भी है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये आता है फाइबर्स की कैटेगरी में, है तो कोपॉलीमर फाइबर की कैटेगरी में। अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो इजिली उनको सॉफ्ट किया जा सकता है हीटिंग में, और जैसे ये कूल होते हैं तो ये सेट हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है इनमें, जैसे कि पॉलीइथाइलीन, तो सॉफ्टन हो गए, गर्म करें तो आप देखेंगे पॉलीथीन जो है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी, और ठंडी होके वो जो है हार्डन हो जाती है, जैसे पीवीसी वगैरह है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन कोटेड हमारे कई एक जो है जहां ऑयल फ्री जो बनता है खाना उसमें टेफ्लॉन कोटेड आते थे पहले से, तो अब तो आने कम हो गए हैं क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत पाए गए हैं, पर टेफ्लॉन के बहुत यूज है, बहुत हार्डी होता है ये टेफ्लॉन, तो पैकिंग वगैरह में, बॉटल्स वगैरह में यूज करते हैं टेफ्लॉन का, और भी कई किस्म के इसके यूज है। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो फर्निशिंग में बहुत यूज होता है, पीवीसी फ्लोरिंग वगैरह, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन, सब क्या है ये थर्मोप्लास्टिक। अब जो चौथा है कैटेगरी इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से वो है थर्मोसेटिंग। अनलाइक थर्मोप्लास्टिक दे आर हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, हाईली क्रॉस लिंक्ड, वो क्रॉस लिंक नहीं होते हैं, ये फर्क है इन दोनों के बीच में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, और बहुत रिजिड होते हैं, जैसे कि बेकलाइट है, मेलामाइन है, और इनसे कई किस्म का टेबल वेयर वगैरह भी तैयार करते हैं और घर की उपयोगी वस्तुएं भी तैयार करते हैं, किससे, बेकलाइट और मेलामाइन से। अब ये क्लासिफिकेशन जो थे हमने करे, तो हमने पॉलीमर्स के विषय में क्या पढ़ा, हमने पॉलीमर्स के विषय में शुरू से ये देखा कि नेचुरल पॉलीमर्स से धीरे धीरे विकसित हुए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी सिंथेटिक पॉलीमर्स उसकी तरफ आए। नेचुरल पॉलीमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोपॉलीमर्स, जो मतलब बायो मीन्स तो लिविंग सिस्टम में हो गए, इसके अलावा पेड़ पौधों वगैरह में पाए जाने, जिसमें कि रबर प्लांट है हमारा। अब जब इनसे सिंथेसाइज करा गया आगे, तो सिंथेसिस के बेसिस पर ये देखा गया कैसे सिंथेसाइज करें, उसमें जो है जो हमने देखा इंपॉर्टेंट रोल है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का है, जिसके ऊपर और नीचे प्रॉपर्टीज अलग होती है क्योंकि ट्रांजिशन होता है इस टेम्परेचर के थ्रू, तो इसके नीचे वाले तो जितने होते हैं टीजी के नीचे वाले वो ब्रिटल होते हैं, और अबव वाले जो होते हैं जिनका ट्रांजिशन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है उससे पास होकर जाते हैं, हाई हो जाता है, तो वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, जैसे कि रबर वगैरह उदाहरण है। तो क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, सेमी क्रिस्टलाइन, ये तीन किस्म के तो इनके हम कह सकते हैं इस आधार पर हैं कि जैसे इनके जो है टीजी के हिसाब से जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे इनका चेन्स होती हैं, तो उस बेसिस पर। अब जब हम सटीक क्लासिफिकेशन पे आए तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम। हमने सबसे पहले तो फॉर्मेशन बेसिस पर करा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब इनको हम बना रहे हैं, वो एडिशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दो किस्म के होते हैं। एडिशन में सीसी हमारी लिंकेज होती है, और उसमें कंडेंसेशन में तो न्यूट्रल कुछ ना कुछ एटम निकलता है, और एट द सेम टाइम उसमें सीसी लिंकेजेस के अलावा, ब्रांचेस के अलावा और भी एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट्स करते हैं, चाहे वो COH ग्रुप हो, चाहे OH हो, चाहे CL हो, तो इस आधार पर अलग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसमें निकलते हैं कंडेंस होकर। स्टेप ग्रोथ भी कहते हैं पॉलीमराइजेशन। स्ट्रक्चर के आधार पर तो लीनियर, ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक, तीन किस्म के ये होते हैं। और अगर हम देखें इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, तो इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इतने किस्म के होते हैं।
तो इट मे साउंड अ मोनोटोनस टॉपिक बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज द एप्लीकेशंस गो. बहुत सारी आज की प्रक्रियाएं हैं घरों में, बाहर में ही नहीं, इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड एंड हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में बहुत यूज है, आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फुट है, जयपुरी फुट आपने सुना होगा. तो और इनको बनाते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी बनाते हैं कई किस्म से, कि नैनो पार्टिकल्स यूज करके, इसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स. इसके अलावा डायलिसिस है, उसमें भी पॉलीसल्फोन्स वगैरह का यूज होता है. तो पॉलीमर्स इन कैंपस ऑल, सब जगह पॉलीमर्स जो है छाए हुए हैं. बस देखना यह है कि हम इनका बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करें जिससे कि ये एनवायरमेंटल हैजार्ड ना हो, हमारे लिए एक यूजफुल किस्म के कंपाउंड्स हों जिससे हम बहुत जो है आराम, कई आरामदायक चीजें भी, वस्तुएं भी, और साथ में जो इनके वेरिड एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी, वो प्रॉपरली इस्तेमाल में लाए जा सकें विदाउट क्रिएटिंग अ टॉक्सिक वेस्ट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. होप आपको ये टॉपिक जो थोड़ा मोनोटोनस है तो थोड़ा सरलता हुई हो इसको समझने में.